सो स्टार्ट करते हैं क्लास अपना। ठीक है, तो स्पेशल मशीन का जो टॉपिक आपको मैंने करवाया था, जिसमें तीन चार मशीन्स मैंने आपको करवा दी थी, जिसपे लीनियर इंडक्शन मोटर, श्रैगे मोटर, रिपल्शन मोटर और स्टेपर मोटर, ये चार मोटर्स मैंने आपको करवा दी थी। अब एक लास्ट मोटर जो इस टॉपिक के अंदर है वो है थ्री फेज एसी कम्यूटेटर मोटर। बेसिकली ये जो कम्यूटेटर मोटर है, जिस प्रकार से डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर और ब्रशेज होते हैं, आपने पिछले साल पढ़ा होगा कि डीसी मशीन में कम्यूटेटर और ब्रशेज होते हैं, उसी प्रकार से इसके अंदर भी कम्यूटेटर और ब्रशेज होते हैं। लेकिन इसके आर्मेचर को जो सप्लाई दी, इसके जो स्टेटर को सप्लाई दी जाती है वो एसी सप्लाई दी जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसी कम्यूटेटर मोटर। और क्योंकि स्टेटर थ्री फेज वाइंडिंग होती है स्टेटर के अंदर, इसलिए इसको हम कहते हैं थ्री फेज एसी कम्यूटेटर मोटर। ये आपके सिलेबस के अंदर है। मैं जैसे आपको पहली बार में बताया था कि जो पांच टाइप के जो मोटर्स हैं, इनमें से जो भी क्वेश्चन यदि आएगा, तो 5 मार्क्स का यदि क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में अपने को नहीं जाना है, क्योंकि स्पेशल पर्पज मशीन्स हैं, इसलिए इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट है नॉर्मल मोटर से, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। केवल कैसा किसका कनेक्शन डायग्राम है, क्या इसकी एप्लीकेशंस है। तो ये जो थ्री फेज ऐसे कम्यूटेटर मोटर्स हैं, दो प्रकार की हैं। एक है थ्री फेज सीरीज कम्यूटेटर मोटर और दूसरी है थ्री फेज एसी शंट कम्यूटेटर मोटर। मीन्स एक सीरीज कम्यूटेटर मोटर है और एक शंट कम्यूटेटर मोटर है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस थ्री फेज एसी सीरीज मोटर। ठीक है, इसका जो कनेक्शन डायग्राम है वो ये नीचे बताए गए, थ्री फेज एसी सीरीज मोटर के कनेक्शन डायग्राम नीचे बताए गए। ये कनेक्शन डायग्राम है इसका, तो आपको ये कनेक्शन डायग्राम बनाना पड़ेगा, थ्री फेज एसी सीरीज कम्यूटेटर मोटर। क्या है, देखिए कैसे है, ये थ्री फेज एसी सप्लाई है। मैं एक बार पेन वोल्ड लेता हूँ। यस, दिस इज थ्री फेज एसी सप्लाई RYB। ठीक है, ये RYB है, ये देखे ट्रांसफार्मर है, दिस इज ट्रांसफार्मर। और ये ट्रांसफार्मर के थ्रू इसलिए करते हैं हम सप्लाई, क्योंकि कम्यूटेटर है ना, तो ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज लूज करते हैं जो कम्यूटेटर पे आ रहा है। ये ट्रांसफार्मर हमारा, ये तो तीन प्राइमरी वाइंडिंग, दीज आर द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द थ्री ट्रांसफार्मर। ये जो मैं अब बना रहा हूँ सर्किल, ये है प्राइमरी, ठीक है, और ये है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो ब्लू से मैं किया है ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है, और रेड से जो किया है वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। ये थ्री फेज सप्लाई आ रही है यहाँ से, RY और B दिख रहा है ना। तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पे देखिए, ये सबसे पहले आर फेज आया, ये आया आर फेज, और ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, और ट्रांसफार्मर से किस पे चले गया, स्टेटर वाइंडिंग, ये स्टेटर वाइंडिंग, दिस इज स्टेटर वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से सप्लाई आएगी, प्राइमरी पे सप्लाई आएगी, और इसका जो प्राइमरी जो कनेक्टेड है दैट इज कनेक्टेड टू द इन सीरीज विद द स्टेटर। तो स्टेटर में जो सप्लाई है वो बेसिकली ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के सीरीज में कनेक्टेड है। देखिए इस तरह से आ रहा है ना, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और उससे सीरीज में कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, ये सॉरी मोटर का स्टेटर। ऐसे ये दूसरा वाई फेज आ रहा है, ये वाई फेज आ रहा है, ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये प्राइमरी वाइंडिंग फिर चलेगी स्टेटर के ऊपर। और इसी प्रकार से ये बी फेज आ रहा है, ये बी फेज आ रहा है, ये बी फेज, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, और ये चल, तो ये तो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग हो गया। ठीक है, ये स्टेटर है, और ये ट्रांसफार्मर सेकेंडरी, जो ब्लू कलर से जो मैंने सर्किल बना रखा है ना, सर्किल का मतलब मार्क कर रखा है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है जो कि कम्यूटेटर और ब्रशेस से कनेक्टेड है। जैसे एक फेज की है तो ये एक फेज ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर ब्रशेस के ऊपर, सेकेंड फेज ये है, ये सेकेंड फेज यहाँ कनेक्ट हो गया, और ये थर्ड फेज है, थर्ड फेज यहाँ कनेक्ट, ये दी जाते कम्यूटेटर एंड ब्रशेस। और इन तीनों का जो
सेकेंड एंड है तीनों वन, उसको स्टार बना दिया, दिस इज स्टार, ये बना दिया स्टार, तीनों जोड़ दिया ना यहाँ पर, तो बन गया स्टार कनेक्शन। तो सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, और दूसरे टाइम में उसको स्टार बना दिया, जबकि ये जो स्टेटर वाइंडिंग जो है ये ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी के साथ सीधी में जुड़ी हुई है, और ये प्राइमरी के ऊपर सीधी सप्लाई आ रही है। ये इसका बेसिकली कनेक्शन डायग्राम है, थ्री फेज एसी कम्यूटेटर मोटर का। तो ये कनेक्शन डायग्राम में आप ध्यान रखिए, कनेक्शन डायग्राम में ये थ्री फेज सप्लाई है, ये जो बड़ी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स जिसके ज्यादा है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न्स जिसके कम है ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो वोल्टेज आपको कम मिलेगा। तो कम्यूटेटर और ब्रशेस के ऊपर हाई वोल्टेज या ज्यादा वोल्टेज के कारण कम्यूटेशन डिफिकल्टीज आती है, तो इन कम्यूटेशन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए सप्लाई ट्रांसफार्मर के थ्रू दी जा रही है, जिससे जिस भी वोल्टेज को अपन डिजाइन करना चाहते हैं तो उस वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की टैपिंग के साथ में डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका ब्रीफ थ्योरी। ये जो मोटर है, मोटर में साधारण इंडक्शन मोटर की तरह ही थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग होती है, जैसे भी मैंने बताया ना, जैसे जनरल जैसी मोटर हुई है हमारे इंडक्शन मोटर, वैसे इसकी स्टेटर वाइंडिंग होती है, इसी कम्यूटेटर वाइंडिंग। लेकिन इसमें कनेक्शन सप्लाई सीधी, उसमें सीधी सप्लाई देते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के साथ सीधी भी जुड़ी है। ठीक है, रोटर पर डीसी मशीन के आर्मेचर की तरह ही वाइंडिंग होती है, कम्यूटेटर पर एक पोल पेयर के लिए, वन पोल पेयर, वन पोल पेयर मीन्स एक एन पोल और एक एस पोल, ये कहलाएगा वन पेल पोल पेयर। तो वन पोल पेयर के लिए कम्यूटेटर पर तीन ब्रश सेट लगे रहेंगे, ये सब कुछ छह पोल मशीन है, सिक्स पोल मशीन है, कितने पोल पेयर हो गए, तीन। तो हर पोल पेयर के लिए थ्री ब्रश सेट रहेंगे, तो कुल मिला कितने ब्रश सेट हो जाएंगे, नौ ब्रश सेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार सर एक बार क्लास ले रहा हूँ, चाहे यहीं भिजवा दो, क्लास ले रहा हूँ। तो हर ब्रश, तीन ब्रश सेट रहेंगे वन पोल पेयर के, और ये जो ब्रश सेट है ये आपस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर डिस्प्लेस्ड होंगे। ये इलेक्ट्रिकल डिग्रीज और मैकेनिकल डिग्रीज का कॉन्सेप्ट मैंने जब आपको ऑल्टरनेटर बताया था तब बताया था, और दो पोल पिच का जो डिफरेंस होता है, एक एन और एक एस पोल के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, और थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है पी बाई टू इंटू थीटा ब्रैकेट। तो एक पोल पेयर पर तीन ब्रश सेट लगे रहते हैं जो कि आपस में 120 डिग्री ई का मीन्स इलेक्ट्रिकल पर होंगे। ठीक है ना, स्टेटर पर एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से प्राप्त होती है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग ब्रश से जुड़ी होती है। ये मैंने आपको बता दिया था अभी कि वाइंडिंग ब्रश से जुड़ी रही है। ट्रांसफार्मर के प्रयोग से कम्यूटेटर पर लगने वाला वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, जिससे कम्यूटेशन पर लगने वाली जो डिफिकल्टीज है वो अवॉइड की जा सके। तो ये जो डायग्राम है इसमें जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफार्मर थ्रू हम सप्लाई देंगे, जिससे कम्यूटेशन जो वोल्टेज है वो वोल्टेज कम हो जाएगा, जिससे जो डिफिकल्टीज है कम्यूटेशन की, आपने जब कम्यूटेशन पढ़ा होगा तो कम्यूटेशन और ब्रशेस के ऊपर स्पार्किंग होती है, प्रॉपर करंट रिवर्सल नहीं होगा। तो लगने वाला वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है, जिससे कम्यूटेशन डिफिकल्टीज अवॉइड की जा सके, इसलिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब इस मोटर में स्पीड रेगुलेशन ब्रश डिस्प्लेसमेंट की सहायता से प्राप्त किया जाए। बेसिकली देखिए, ये जो मोटर है ना, तो ये स्पीड वेरिएशन के लिए यूज में ली जाती है। तो स्पीड वेरिएशन कैसे होगा, जो ब्रश जो आपने कंप्यूटर पर लगा रखे हैं तो उनका जो वेरिएशन होगा ब्रशेस का, जैसे श्रेगी मोटर में हुआ था, वो भी कम्यूटेटर पे ही ब्रशेस लगे रहते हैं, श्रेगी मोटर के अंदर इसमें भी लगे रहते हैं। ठीक है, तो जो ब्रशेस का जो मूवमेंट है उसी से हम स्पीड रेगुलेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एप्लीकेशन।
कहाँ यूज होती है। इस प्रकार के मोटर में स्पीड रेंज सिंक्रोनस स्पीड की 40 से 150% तक प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नॉर्मल इंडक्शन मोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड या उससे ज़्यादा नहीं चल सकती, लेकिन ये जो मोटर्स हैं ये सिंक्रोनस स्पीड सपोज कीजिए 1500 RPM है किसी मशीन की, तो इस 1500 के 40% से लेके मतलब 600 से लेके और 2250 RPM तक वो मोटर जा सकती है, 40 से लेके 150% तक स्पीड हम प्राप्त कर सकते हैं एसी सीरीज कम्यूटेटर मोटर में। इसलिए इस प्रकार के मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जिनमें स्पीड के साथ टॉर्क बढ़ता है, जैसे कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एक्सेट्रा। फिर भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए आप ये लाइन लिख लीजिए कि एसी सीरीज कम्यूटेटर मोटर का प्रयोग प्रैक्टिकली कहीं पे भी नहीं किया जा रहा। प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को देखते हुए इंडस्ट्रीज में एसी सीरीज कम्यूटेटर का प्रयोग हम आमतौर पर नहीं करते, उसके स्थान पर हम कर सकते हैं 3 फेज AC शंट कम्यूटेटर, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो 3 फेज AC शंट कम्यूटेटर मोटर क्या है, इसका डायग्राम मैं अभी आपको बता देता हूँ, आपको डायग्राम दोनों का बना लेना है। अगर केवल एसी कम्यूटेटर मोटर आती है आपके एग्जाम में तो दोनों का डायग्राम बना के दोनों के बारे में ब्रीफ आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है ना। तो 3 फेज AC शंट कम्यूटेटर मोटर के कनेक्शन डायग्राम नीचे बताए गए हैं। इस प्रकार की मोटर में स्टेटर वाइंडिंग सीधे सप्लाई से जुड़ी होती है, जबकि रोटर ब्रशेस पर सप्लाई ट्रांसफार्मर के द्वारा प्राप्त करता है। तो देखिए इस मोटर में स्टेटर सीधे सप्लाई से जुड़ा रहेगा, जबकि उस पहले वाले केस में स्टेटर ट्रांसफार्मर के थ्रू सीरीज में ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेटर को सप्लाई जाती है, जबकि इस प्रकार की मोटर के अंदर सप्लाई सीधे ट्रांसफार्मर के नहीं, सीधे जो स्टेटर वाइंडिंग पर सप्लाई है वो सीधी सप्लाई से जुड़ी, कोई ट्रांसफार्मर बीच में नहीं आएगा, लेकिन ब्रशेस और कम्यूटेटर के ऊपर जो सप्लाई है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू जाएगी, जबकि रोटर ब्रशेस पर सप्लाई ट्रांसफार्मर द्वारा प्राप्त करता है। इस मोटर में ट्रांसफार्मर लगी टैपिंग की सहायता से स्पीड रेगुलेशन प्राप्त किया जाता है। इस मोटर में ब्रशेस की पोजिशन फिक्स होती है, अतः इनकी स्पीड सभी लोड पर लगभग, इसका देखेंगे डायग्राम। इस प्रकार की मोटर में आपको ध्यान रखना है, ये देखिए दिख रहा है, ये तो ये RYB फेज है, ये 3 फेज AC सप्लाई है, मगर ये लिखा हुआ नहीं है तो मैं इसको लिख देता हूँ। ये 3 फेज AC सप्लाई, 3 फेज AC, ये RYB है। तो देखिए इसका ही स्टेटर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग में सीधी सप्लाई सीधा है, टारगेट सीधी आ रही, शंट मोटर नहीं है तो उसमें तो वाइंडिंग प्राइ स्टेटर वाइंडिंग सीरीज में जुड़ी ट्रांसफार्मर के साथ, इसमें सीधी आ रही है, तो ये कनेक्शन और ये कम्यूटेटर और ब्रशेस है, कौन कम्यूटेटर है ब्रशेस, कनेक्शन डायग्राम ऑफ 3 फेज AC शंट कम्यूटेटर, और ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफॉर्मर सप्लाई जुड़ी, ये तो ट्रांसफॉर्मर कौन सी है, ये प्राइम, ये प्राइमरी वाला, और ये ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से जुड़ी हुई है और सेकेंडरी वाइंडिंग का आउटपुट टैपिंग है, ये क्या है, ये देखिए ये टैपिंग है, ट्रांसफॉर्मर टैपिंग, ठीक है, ये टैपिंग चेंज की जा सकती है, ये एरो है ना, ये इसका जो है अप एंड डाउन, ये ऊपर नीचे, तो ये ट्रांसफार्मर की टैपिंग के ऊपर ये हमने ब्रशेस और कम्यूटेटर को सप्लाई देखिए रोटर के, ये रोटर है हमारा, रोटर के जो कम्यूटेटर और कम्यूटेटर के जो ब्रशेस लगे हुए हैं इनके ऊपर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी सप्लाई दी जा सकती है और ये टैपिंग चेंज कर सकते हैं। तो स्पीड जो वेरिएशन होगा इन दिस केस, स्पीड वेरिएशन ट्रांसफार्मर की टैपिंग को चेंज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की मोटर के अंदर जो स्पीड वेरिएशन आएगा वो ट्रांसफार्मर की टैपिंग को चेंज करके आ सकता है, ब्रशेज इस केस के अंदर फिक्स रहते हैं,
इसलिए ब्रशेस की पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो लोड के ऊपर डिफरेंट लोड, जीरो से यदि मैक्सिमम लोड पर पहुंचेंगे तो स्पीड वेरिएशन लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, यदि आपको स्पीड वेरी करनी है, स्पीड वेरी करने के लिए आपको ये जो टैपिंग लगी है ट्रांसफॉर्मर की, इन ट्रांसफॉर्मर के टैपिंग्स को बदल कर इनकी स्पीड बदली जा सकती है। ठीक है, तो एसी कम्यूटेटर मोटर में सीरीज मोटर के अंदर ब्रशेस की पोजीशन को बदल के स्पीड वेरिएशन किया जाएगा, जबकि एसी कम्यूटेटर शंट मोटर के अंदर ट्रांसफॉर्मर की टैपिंग को बदल कर स्पीड वेरिएशन प्राप्त किया जाता है। सीरीज मोटर में सीरीज सप्लाई दी जाएगी, सॉरी, सीरीज मोटर में ट्रांसफॉर्मर के थ्रू सप्लाई दी जाएगी स्टेटर के ऊपर, जबकि शंट मोटर के अंदर सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर सप्लाई सीधी दी जाती है। इसमें ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ट्रांसफॉर्मर जो आपका है ये सप्लाई सीधा जुड़ा रहेगा, और ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी है उसके ऊपर, उसके थ्रू सप्लाई रोटर को दी जाएगी, रोटर के ऊपर ब्रशेस के ऊपर सप्लाई दी जाती है। टैपिंग लगी रहती है ट्रांसफॉर्मर पे, जिसकी सहायता से हम स्पीड बदल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसी शंट कम्यूटेटर मोटर और सीरीज मोटर। अब भैया कुछ चीज को पूछना है तो आप पूछ लीजिए, तो ये टॉपिक यही खत्म हो गया है। अब कल से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, या पहले मैं एक बार आपका वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं उसको, ट्यूटोरियल्स बना लेता हूँ अच्छी तरह से देख के। ठीक है ना? हाँ भाई, किसी कुछ पूछना है? पंकज, शुभम, एनी क्वेश्चन? सर, एसी सीरीज मोटर को ये इंडस्ट्री वगैरह में क्यों काम मैंने कहा ना, इनको में नहीं लेते? को काम मिलते, क्योंकि सीरीज मोटर पे जो कम्यूटेशन की जो प्रॉब्लम है ना, इसकी इसके लिए कारण से इसको काम में नहीं लिया जाता, इसलिए काम में नहीं लेते। इसके बजाय शंट मोटर काम में ली जाती। सीरीज मोटर का आपने वैसे भी देखा होगा, डीसी सीरीज मोटर भी पढ़ा होगा, वो तो लिमिटेड एप्लीकेशन होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जहाँ पर केवल हैवी लोड के लिए जरूरत पड़ती है, लोड के ऊपर स्टार्ट करना पड़ता है। तो सीरीज मोटर का प्रयोग, अलबत्ता कोई भी सीरीज मोटर, उसका प्रयोग बिल्कुल लिमिटेड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। एनीथिंग एल्स? ठीक है भाई, तो ये तो ट्यूटोरियल तो बिल्कुल छोटा रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस वगैरह मैं बना लूँगा अभी सिलेबस देख के, और कुछ एक आध निकले और आपको दे दूंगा करने। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कुछ पूछना शुभम? बंद करें? ठीक है। हाँ।